देखना शुरू कर चुके हैं रुचि रही। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया, बीजेपी मतलब बड़ा झूठा पार्टी। दरअसल बीते दिनों नीतीश कुमार ने जहरीली शराब पीकर मरने वाले के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की थी। बिहार सरकार के इस फैसले का पक्ष और विपक्ष दोनों ने स्वागत किया था। बीजेपी नेताओं का कहना था कि भाजपा के दबाव के बाद ही नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया। उनके अनुसार भाजपा तो बहुत दिन से मुआवजा दिए जाने की मांग कर रही थी, साथ ही पीड़ित परिवार से मिलने की बात भी कही थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त सिर्फ यही कह रहे थे कि जो पिएगा वो मरेगा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि बीजेपी कह रही है कि हमारे दबाव के कारण नीतीश कुमार ने मुआवजा दिए जाने का फैसला लिया है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता कुछ भी कहते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी हर बात झूठ ही बोलती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, साथ में खुद झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के इस झूठ के झांसे में जनता आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि अब जनता भी समझ चुकी है कि भाजपा से कोई भी उम्मीद लगाना बेकार है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि महागठबंधन आगामी चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले तमिलनाडु के सवाल पर झूठी खबरें चलाई गई, फिर बिहार शरीफ और सासाराम में सांप्रदायिक उन्माद और हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की ओर से झूठ का प्रचार किया जा रहा है, यहाँ तक कि सारी केंद्रीय एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि समाचार भी उनके हिसाब से लोगों को परोसा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर हम लोगों ने भाजपा को सफल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि अभी लड़ाई लंबी है, हम लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तेजस्वी ने कहा कि अंबेडकरवादियों और समाजवादियों पर लगातार प्रहार हो रहा है और क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश भी चल रही है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास और ऐतिहासिक विरासत को बदलकर अपने हिसाब से इतिहास गढ़ने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को बिहार से खतरा है, इसलिए बिहार को टारगेट किया जा रहा है। इस तरह तेजस्वी यादव ने एक बार फिर भाजपा के खिलाफ करारा प्रहार करते हुए उसे बड़का झूठा पार्टी कहा है। यदि आपको हमारा काम करने का तरीका पसंद आता है, आपको हमारे एफर्ट्स दिखते हैं, आपको हमारी खबरें पसंद आती है, तो रुचि लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। Thank you.